वाटर किसान यूनियन सांबा रामगढ़ की तरफ से जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें हमारी पाँच छः डिमांड्स हैं। जो मेन डिमांड है, जो तीनों जो ऑर्डिनेंस हैं वो बजाय बिल पेश होता है उस पर डिस्कशन होती, वो इन्होंने थोपे गए, वो जिम्मेदारों को ना खुशगवार हैं। और हम ये कहते हैं कि हमें MSP चाहिए, बस मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। सरकार जो भी डिक्लेयर करती है रेट, उससे कम में हमें रेट नहीं मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमारे बहुत से लोग हैं जो पिछले दो तीन फसलें मारी गई, सरकार ने पैसा दिया हुआ है, ये कहाँ डाइवर्ट हो गया, ये इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि आधे लोगों को मिला पिक एंड चूज के हिसाब से। और हम DC सांबा से ये कहेंगे कि हमें वो टाइम दे, पे हफ्ते में 10 दिन में कितने दिन में मिलेगा, अदरवाइज फिर हम एजिटेट करेंगे। इसके बगैर हमारी जो बिजलियों के बिल हैं वो खाम खाते रहते हैं बॉर्डर पे, बिजली तो चलती नहीं, रात को वैसे नहीं जाने देते, तो वैसे भी ज़मीनें लोगों के पास तो बहुत कम रह गई हैं। और हम ये भी कहते हैं कि इनके पास इतने फंड है, सरकार जो इंडस्ट्री कॉमर्स को और दूसरे डिपार्टमेंटों को इतने फंड देती है, और हमारे ज़मींदारों के लिए एक रुपया भी नहीं, वो भी हमारी जो एग्जम्पशन होनी चाहिए। इसके बगैर हमारे जो DPs हैं या जो मथरूका पैली हैं, जिनके पास लोगों ने अपनी जगह छोड़ के यहाँ आए थे, वो आज तक जो 47 के थे या दूसरे 71 के हैं, 65 के हैं, उन लोगों की आज तक जो 1976 जो एग्रीरी रिफॉर्म एक्ट Section 3(1) के तहत अभी तक जो हमें वो मालकाना जो हक हैं वो हमें नहीं मिले हैं। इसके लिए भी हमने ये, बल्कि इस सरकार से हमने कहा है कि इसके लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए ये करें। बाकी जो जितना अपना बॉर्डर की डिमांडें जो पहले भी हमने दी हुई हैं, उसके ऊपर भी कोई ये सरकार गौर नहीं कर रही। हमें इन्होंने मतलब कि हमें जो बॉर्डर के हैं तो ये दूरी रखते हैं, हम सरकार के कान खोलना चाहते हैं कि ये खासकर जो MSP और ये खासकर जो हमारी एग्जम्पशन है और ये जो पैसा जो आधे लोगों को मिला पिक चूज के, ये जाकर नहीं मिला तो हम एजिटेट करेंगे। आज तो हमने कोविड के चलते बहुत कम लोगों को बुलाया, तो ये पूरे को पूरे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सरकार को मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।